नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों की ओर रुख करेंगे। दिल्ली में आज हुई डीडीएमए की अहम बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक ट्वीट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेस्टोरेंट और बार को अब बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब रेस्टोरेंट केवल टेक अवे या होम डिलीवरी सर्विसेज के लिए ही खुल सकेंगे। इसके साथ ही वीकली मार्केट को लेकर किए गए फैसले को भी उपराज्यपाल ने लिखा है कि अब हर जोन में रोजाना केवल एक ही साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी, यानी एक जोन में सिर्फ एक मार्केट, वो भी किसी सुरक्षित जगह पर जहां ज्यादा भीड़ जमा ना हो। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट में लिखा कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में अतिरिक्त मैन पावर की पर्याप्त व्यवस्था करने और 15 से 18 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की मांग की गई। दरअसल दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वर्चुअल के जरिए हुई इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत, मुख्य सचिव विजय देव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत स्वास्थ्य विभाग समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे।